हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर प्लांट प्रोफेशनल पीपीपी। आज हम लोग देखेंगे लिफ्टिंग आई बोल्ट कैसे ड्रॉ करेंगे। ना लिफ्टिंग आई बोल्ट आपका इंडस्ट्री में कोई भी मशीनरी पार्ट को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे आपका कोई मोटर्स हो गया, कोई पंप हो गया, कोई इलेक्ट्रिक पैनल हो गया, तो उसको उठाने के लिए ये लिफ्टिंग आई बोल्ट यूज होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और क्योंकि मैं बीओई के ड्राइंग पेपर के रिलेटेड और न्यूमेरिकल पेपर के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ जो आपको काफी हेल्प करेगा बीओई एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं, हाउ टू ड्रॉ लिफ्टिंग आई बोल्ट। तो ये लिफ्टिंग आई बोल्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कीजिए। उसके बाद जो लिफ्टिंग आई बोल्ट का डाया है वो एज्यूम किया 20 mm, ठीक है। तो जो सर्कल, इनर सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो फॉर्मूला है 1.5D, तो मार्क कर लेते हैं। ये टोटल जो डाया है वो 1.5D होता है, तो 0.75D, तो 15 जो इनर सर्किल है वो 15 mm है, तो 15 mm मैंने मार्क किया। उसके बाद जो आउटर सर्किल आएगा वो भी 15 mm है, तो ये दो पॉइंट मिल गया। अभी सर्कल ड्रॉ कर लेते। तो यहां से जो यहां का डिस्टेंस है वो 1.5D है, 30 mm, ठीक है, 30 mm, ओके। अभी उसके बाद जो यहां से यहां का डिस्टेंस है वो 0.75D, तो भी 15 mm होगा, ठीक है। देखिए 15 mm, ओके। तो ये टोटल अप करेंगे तो ये 1.5D होगा, ओके। तो ये आपका जो सर्कल है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहां से जो नीचे वाला पोर्शन होगा यहां तक, उसका ड्रॉ करने का फॉर्मूला है 2D, तो 2D मतलब 40। सो आप पहले एक यहां से सेंटर लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद यहां से 2D मतलब 40 mm नीचे मार्क कीजिए, और ये जो डिस्टेंस होगा ये भी आपका 2D होगा, ठीक है। तो 2D मतलब 40, तो इस साइड में 20, इधर 20 मार्क कीजिए, अब इसके बाद यहां से ये जो डिस्टेंस है ये है 0.4D, तो 8 mm, तो 8 mm मार्क कीजिए यहां पर। उसके बाद इसको मिला दीजिए, और ये जो आपका कार पोर्शन है ये आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं। तो अभी जो थ्रेडेड पोर्शन है उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहां से इधर का जो थ्रेडेड पोर्शन है उसका डिस्टेंस रहेगा 1.5D, ठीक है, तो वो भी 30 mm। सो यहां से 30 mm मार्क कीजिए, और ये जो डायमीटर है ये 20 है, सो इस साइड में 10, इधर 10, फिर यहां से इसको मिला दीजिए। उसके बाद यहां पर जो नॉमिनल डाया होगा, जो यहां पर जो थ्रेडेड पोर्शन है उसके लिए 0.8D, मैंने हेक्सागोनल बोर्ड का जब ड्राइंग बनाया था उसमें बताया था, तो ये सब स्टैंडर्ड रहता है। सो 0.8D 16 mm होगा, तो इस साइड में 2 mm, इधर 2 mm, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे जो पोर्शन है उसका कोई स्टैंडर्ड ऐसे डायमेंशन नहीं है, यहां पर आपका 30 डिग्री एंगल होगा,
तो ये आपका लिफ्टिंग आई बोल्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मार्किंग कर लेते हैं। तो ये आपका लिफ्टिंग आई बोल्ट कंप्लीट हो चुका है और जो इक्विपमेंट के अंदर आपका ये फिक्स होगा तो उसको भी आप फ्री हैंड स्केचेस कर सकते हैं। ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखाना पड़ेगा, हैचिंग करना पड़ेगा, तो हैचिंग आपका नॉर्मली 45 डिग्री एंगल पे होगा, ठीक है। तो ये लिफ्टिंग आई बोल्ट का ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है और मैं प्रॉपरली डायमेंशन दे दिया है, तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था और ऐसे टाइप का ड्राइंग का वीडियो मैं और अपलोड करूंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा BOE एग्जाम के ड्राॅइंग पेपर के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।